मात मेरी मुझे दियो बरदान, पांच चीज मांगे दियो मात मेरी समताल कंठ सुर ज्ञान। समताल कंठ सुर ज्ञान पर सुधा में नाना भिकम पुराण वेद तुमरे यश गावे। कह धर गुराय मात मेरी अवलंबा, हम सब पे हो जाओ दाल जा करियो माता जगदम्बा। ओम नाम परमात्मा ए जिमर स्मरि ले जगदीश, गुरु चरण जू लाल को मैं झुकी चरण नवाऊ सी। प्रथम गुरु का चरण गिर खू तले उल्ला धोई, मैं बरजू बारंबार बुद्धि दो मोई। मैं पाऊ पद निवार भक्त होई, डिड़किए सिया रघुराई बन कर न चले दो भाई। बन बसे सुदर भारी मानु कोने सिधारी, भारी भान अहंकार पड़ी रण गोई बिन सिया राम पार नाई। संत कचहरी ज्ञान की ये जी बरन बरन के लोग, सकल सभा को बीनती प्रेमियों जो जिस लायक होए। यारे जागी ले कमैया हमारी, जाहिए रे कसबा की। मानिया जी के
कजिला सही जान पूरा नाम आई या बसरा तुई नदियन के अभी पूरब पूरब है खनो तनो पश्चिम गर्रा पड़ो थोराई यार बीच मठिया फूल मतलगी जल घंटा बजाई बुरारी कैसे भूल जय नाम बैठे मरी लगी ला।
तो छोर प्रेम बान जोगी मारी अच्छा अरे जुगिया पले रस बेदा अपनो पट चीर तोन मिली गुदरी सिलाई अरे जुगिया पले रस बेदा हाय अपनो पट चीर तोन मिली गुदरी सिलाई यारे फिर के रुपया सुबह सफर मां भावना पुरगा 50 रुपया ने उते अरे चल पलका सवाई आई गया है जलालपुर पाले लिखौ 20 रुपया काफी ना अरे गाओ जलालपुर पैसा ना भी कमता है ना 20 रुपया लिखाई मजमा के बीच 20 20 करके रुपया लिखाई अरे 20 रुपया इनके लिखियो कमता है नाई भौना पूरा कोठी चमकाई भैया पीर लिखया लिखौ 20 रुपया कापी मां हमारे खुद मालिक साहब का कहना है कहानी आप लोगों समक्ष में मेरी
नल पुराण प्रारंभ होने जाती है। इन्हें लोगों ने दे दो श्रीमान ए बलट्टल एक राम भवनापुर निवासी ए 50 रुपए का व्यवहार करते हैं। पाली तरह से धन्यवाद। हेलो, ये सुरजीत कुमार मिस्त्री जी, ये हमारा रेला खेड़ा से आए हैं, ये 10 रुपए मेरे लिए इनाम दिया, लिखे नहीं जाएंगे। भाई साहब को नमस्कार। ये भी आप लोगों समक्ष में मेरी ढोला की कहानी पेश होने जाती है। प्रेमियों, यह बीरपाल सिंह कुशवाहा ठाकुर ने 10 रुपए इनाम लिए। धर्म को बचाने वाला चाहिए, ना तुना आवाज यही है, धर्म को बचाने वाला चाहिए। सर्च करिए भाई, ठीक है। ये भी देखिए, आएगा भैया, आएगा। ये भी देखिए, आएगा जरूर, हम बड़े मंगरूर। सतयुग में राजा रख रख के तो तुझ गए रोज रोज के तुझे तुझे के प्रथम प्रथम के नल नल के कुमार चंद ढोला आगे चलो रघुबीर सिनेमा नाम कोई नहीं। प्रेमियों, जिस समय भाई कृपया आप लोगों से मेरे विलंब निवेदन है, हाथ जोड़ के प्रार्थना, अगर शांति पूर्वक के साथ बैठ के सुनेंगे तो मैं सुनाऊंगा, और वरना आप जैसे सुनेंगे फिर वैसे ही सुनाया जाएगा। हाँ, देखिए, जिस समय सती मंझा का वनवास राजन प्रथम ने दिया था, राजा नल अपनी माता मंझा के गर्भ में ही थे, और कह दिया था इसको कत्ल करके इसके नेत्र कलेजे काट के मेरे समक्ष ले आओ। जल्लादों ने उसे जिंदा ही ढील दिया था, एक हिरण को मार करके और नेत्र कलेजे निकाल के राजा प्रथम को दिखला दिए, कहा मैंने सती मंझा को मार दिया। कहानी पूरी होगी भैया, कहानी पूरी होगी। हाँ, पूरी सुना। देखिए, और जब जन्म हुआ था सती मंझा के लड़के के बिकट बनी झाड़ियों में, 33 के देवताओं ने आकर के फूलों की वर्षा की, याद शक्ति दुर्गे माँ ने नार को छीना, का कोई नहीं समझा बोलो ना भी, सामने दाएं बाजे बैठ जाए हैं, तो बाजी घड़ी ऐसी देख रहे हैं। अरे सुना उदा बनवास बनवास, और जिस समय बोल तो रहे हैं भैया, बार बार बोल रहे हैं कि सामने इतना बीच बड़ा है, दाएं बाएं खड़े हो, आप सामने आकर बैठ जाओ तो महान कृपा होगी। हैं हमें बोलते और बताते शर्म आ गई, मगर आप लोगों को शर्म नहीं आई। और जिसके बाद में उस लड़के को लंगर झंगर कुमारी जद्दा मानिक चंदा लक्ष्मण सेठ अपने वतन दर्शी को लेके गए, जिस उस दिनों के बाद में वो लड़का जब स्याना हुआ अपनी माता मंझा के साथ में, कहा
या रहन सहन करने लगा दर्शीपुर में, और फिर कहा कि मैं जब खेत बिरवाही कही वो खेत हुई कैसे पही है। चुप्पन अबे सही कहा, चुप्पन सही बताई रहे। और देखिए कुछ दिनों के बाद में वो छत्री कहने लगा, माँ मैं प्रदेश में हूं, हमारी तुम्हारी गुजर बसर ऐसे नहीं होगी, कोई अगर रोजगार पान नहीं सीखूंगा। वो लड़का आज अपनी माता मंजा से आज्ञा लेकर के ये और नना मामा के साथ मालवगढ़ के लिए प्रस्थान किया, और जिस समय कह दिया मैं 6 महीने के भीतर भीतर आ जाऊंगा, उसके बाद में ये आज वो लड़का मामा नना के साथ में समुद्र में बैठ करके जहाजों में जा रहा था। रास्ते में समुद्र में एक चंदन चौकी पड़ी, जब चंदन चौकी पड़ी है वहां पे रानी मोतरी नहा रही थी, जहाजों की हड़बड़ाहट सुनी तो भाग खड़ी, उसकी पायल छूट गई। जब पायल राजा नल ने देखी इसकी इतनी सुंदर है और इसकी पहनने वाली कितनी सुंदरता में होगी, तुम चले जाओ, अगर आप पहले आ जाए तो आप ठहर जाना, मैं आ जाऊंगा तो मैं ठहर जाऊंगा। राजा नल की बात मान के मामा नाना चले जाते हैं। वो पहुंच जाते हैं दानवगढ़, दैत्यों से लड़ाई डर करके 1600 दानियों संग्राम का के दानी को मार करके जब रानी मोतनी के साथ में शादी की, जब बहुत दिन प्रतीत हो जाते हैं। आज राजा नल कहते मुझे यहाँ ससुराल में बहुत से दिन प्रतीत हो गए, मेरी माँ क्या सोचती होगी और क्या कहती होगी। तो आज राजा नल दानीमठ मंदिर में अपने मन में क्या विचार करते हैं, अरे प्रीति करेमिया दूर की प्रीति नाइनी की रे। जो भैया मटर प्रीति करता करैनिया रे किया रे दूर की प्रीति नाइनी की धर्मा कितनो कष्ट पड़ई पर जी। इंसान को सोचना चाहिए अगर मुसीबत यहाँ है तो प्रदेश में भी होगी, यहाँ तो निपट भी सकती है, प्रदेश में अपना बिराना कोई नहीं होगा, और मुसीबत उठा के ही आराम मिलती है, इंसान सोच नहीं सकता, इसलिए विपत्त बनने से प्रदेश को जाना नहीं चाहिए। जो भैया न करती कष्ट पड़ाई पाई पर ते समझ आई के बसैना जी। लड़का रूठो बाप से भाई बसो जाई के ससुराल जी। माँ बाप सोचता है मेरे लड़की नहीं लड़का पैदा हो, अरे लड़कों से तो लड़की भली, लड़के की शादी हो जाने के बाद में एक लात के अंगूठे की ठोकर मार देते हैं ये और जाके ससुराल में बसते हैं। अरे अपना माँ बाप नहीं हुआ क्या सास ससुर माँ बाप हो जाएगा, लाट में ससुराल में रहने वालों की क्या दशा होती है। लड़का रूठो बाप सही भाई बस हो जाई के ससुराल जी। ससुर चला भाई घास सासु कंडा बिन भाई जी। जो भैया मजा का
हमारी जी या भाई जाति कुजाति दे बहनी की गारी जी बोलो क्या बता रहे बता मंजक बने बस सुनो मंजक बने बस सुनो देखिए प्रेमियों ये आप लोगों के समक्ष में मेरी ढोला की कहानी अपने की चच्चा की बात आपने काट दी है ये देवेंद्र कुमार राठौर साहब यह भावना पुण्यवासी 50 रुपए का व्यवहार दिया है पार्टी को सदन धन्यवाद बोता बताई गया बताओ कहीं की बताओ क्या बताया मैं अब भाई जो बताओ अरे कहाँ